iOS 17.5 अपडेट ऑन iPhone 13। और राइट गाइस, तो जितने भी यहाँ पे iPhone 13 यूज़र हैं इस वीडियो को एंड तक देखें। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप भी iOS 17.5 को यूज़ करना चाहते हैं या फिर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पे कोई इशू तो नहीं आता है, खासकर जो लोग वरीड रहते हैं कि ग्रीन स्क्रीन का इशू तो नहीं आ जाएगा, उसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे पास iPhone 13 मॉडल ही है और इसके ऊपर मैं हर एक स्टेबल अपडेट को यूज़ करके मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ। सबसे पहले आपको शो कर देते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टेबल अपडेट, जो कि यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पे रिलीज़ किया गया है एप्पल की तरफ से। तो अभी आप सभी एक चीज़ नोटिस करो कि कोई भी आप बीटाज अपडेट मत यूज़ किया करो। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड बीटाज अपडेट इनको आप ऑफ रखा करो, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। खासकर यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट को बंद ही कर दो। कई बार क्या होता है कि लोग मैनुअली, जैसे कि आपको कोई अपडेट पसंद नहीं आया, आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते थे, यूज़ नहीं करना चाहते थे, बट अगर आपका ऑटोमेटिक अपडेट ऑन है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप इसको डाउनग्रेड वगैरह भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे बढ़िया इसको ऑफ ही रखो, बीटाज अपडेट यूज़ मत किया करो। मैं हमेशा ही स्टेबल अपडेट की ही वीडियो लाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आईफोन 13 है, आप अगर जानना चाहते हैं इसका अपडेट का साइज़ तो मैं सब कुछ आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलाता हूँ कैमरा रोल पे एंड यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो है इसका साइज़ जो है 700 या फिर 800 मेगाबाइट था। तो यदि यहाँ पे आप बात करें अपडेट साइज़ की तो ज़्यादा कोई हाई साइज़ नहीं था इसका, ठीक था। और फीचर्स भी मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो डाल दी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी बेटर से इसके अंदर फीचर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एक प्यारा सा वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप जाते हैं इस तरीके से यहाँ पे यूनिटी के नीचे, प्राइड के नीचे, तो आपको यहाँ पे एक न्यू वॉलपेपर देखने को मिल जाती है अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। कोई खास नहीं है बट ठीक ठाक है, अगर आप वॉल पर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सही बात है, यहाँ पे आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती दोस्तों यहाँ पे आपको मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं। तो मेजर चेंजेस आपको जो फीचर्स सेटिंग्स में बताई गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं जाके। तो रही बात क्या यहाँ पे कोई ग्रीन स्क्रीन का इशू है, तो ग्रीन स्क्रीन का इशू कोई भी नहीं है, आप सभी के सामने है। मेरे पास आईफोन 13 ही है और मैं इसको लगभग 2 या 3 दिन से लगातार यूज़ कर रहा हूँ। और रही बात बैटरी बैकअप बता दूँ, तो बैटरी बैकअप यहाँ पे मेरे को मिला था 6 घंटों में, मेरे आईफोन की जो बैटरी है वो यहाँ पे 50% फॉल आया था, ठीक है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी बैटरी ड्रेन टेस्ट का वीडियो डाल दिया था, जाके वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई तेरा फोन इतना बैकअप कैसे दे देता है, तो देखो रीज़न होता है दोस्तों, अगर आपका फ़ोन का ना बैटरी हेल्थ आप सभी चेकआउट करें, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी जो है मेरे फ़ोन की 100 मेंटेन है, क्योंकि अभी मैंने इसको आई थिंक 3 या फिर 4 महीने पहले ही बाय किया था। तो अगर आपके फ़ोन की ना 90 प्लस बैटरी हेल्थ है तो वाकई में बैकअप आपको बैटर मिलेगा जैसे मेरे फ़ोन में मिलता है। अब काफ़ी लोग कहते हैं भाई मैंने भी अपडेट किया और तेरे फ़ोन में तो 6 घंटे चला, उसके बाद सिर्फ 50% बैटरी फॉल हुआ, बट मेरे तो यहाँ पे जो है 50% बैटरी फॉल जस्ट 2 या फिर 3 घंटे में ही हो गया। तो होता क्या है कि अगर आपके मैक्सिमम कैपेसिटी 90 प्लस है तो ये वाकई में इतना ही चलेगा जैसे मैंने आपको बताया है, अगर कम है तो फिर एक कम हो ज़्यादा होता रहेगा। आपको भी देखा होगा कि जिनकी भी आईफोन की बैटरी हेल्थ 85 प्लस है उनमें बैकअप अच्छा मिलता है, उसके बाद तो सही नहीं होता है। इवन 90 प्लस है अगर आपका तो बहुत ही अच्छा बैकअप मिलेगा, नीचे चला जाता है तो ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़िया बैकअप नहीं रहता है। तो ये भी मैटर कर जाता है, एक खास मैटर करती है बैटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बैकअप को लेकर। मैं बात करूँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट की, तो इंप्रूवमेंट का भी मैं डेटा आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे GPU एंड CPU दोनों मैंने जो है हिस्ट्री निकाल के रखी हुई आपके सामने है, वैल्यूज लगभग सेम ही है, थोड़ी सी बढ़कर आई हैं तो ठीक है, वैल्यूज लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। और इस तरीके से जाता हूँ यहाँ पे GPU बेंचमार्क भी आपको शो करता हूँ, यहाँ पे दोनों को ही मैंने निकाल के रखा हुआ है आपके सामने है, डेटा बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज़्यादा खास चेंजेस। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे इस अपडेट की ये लगती है कि इस अपडेट के अंदर आपको 2 से 3 GB एक्स्ट्रा खाली मिल जाएगी अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं, इसमें आपको थोड़ी सी स्टोरेज फ्री अप होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये अपडेट इस मामले में आपको थोड़ा बढ़िया रहेगा और ग्रीन स्क्रीन का कोई इशू है नहीं, कनेक्टिविटी और सब बढ़िया, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही अभी तक इस अपडेट में। तो अगर आप वरीड थे तो आप इस अपडेट को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और रही बात यहाँ पे हीटिंग इशू, तो अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है कैसे आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको Geekbench भी शो ही कर दिया है, वैल्यूज लगभग सिमिलर ही हैं, कोई खास ज़्यादा नहीं है। और रही बात बैकअप भी बहुत सही है इसके अंदर और कोई भी इशू अब तक नहीं है। तो ये है दोस्तों आईफोन 13 के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।